हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष के नेतृत्व में क्षेत्र के किसानों ने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार व उप तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को कालंद्री उप तहसील क्षेत्र के किसानों ने विभिन्न समस्या व मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम कालंद्री उप तहसील कार्यालय में तहसीलदार नीरज कुमार, उप तहसीलदार जगदीश विशोई को तहसील अध्यक्ष जब्बर सिंह देवड़ा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में विभिन्न मांग और समस्या के साथ लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की सुनिश्चितता करवाने की मांग रखी। इस दौरान उपाध्यक्ष चेलाराम सरतरा, हरि सिंह, दिलीप सिंह राठौड़, चुन्नीलाल घाची, नवाराम कुम्हार, शैतान सिंह, धनाराम चौधरी, राम सिंह, पीर सिंह, नवाराम, भूरा राम, ईश्वर सिंह, शंकर लाल आदि मौजूद रहे। इस दौरान बिजली विभाग के सहायक अभियंता को मौके पर बुलाकर किसानों की समस्या से अवगत करवाया गया। इस दौरान कालंद्री पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। जागरूक टीवी की कालंद्री से सुरेश जुगनू की रिपोर्ट।